हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, ये लाइट मोशन का जो प्रॉब्लम था आप लोगों का, उसे मैं मतलब मैंने नहीं फिक्स किया, किसी और ने ही फिक्स किया होगा। बस मैं आपके लिए वो लाइट मोशन लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सएमएल प्रीसेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं जो अभी यूज़ कर रहा था ओरिजिनल वाला था आप लोगों के लिए, मैं इसे अभी अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देखते हैं मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी इसमें पड़े हुए, बट फिर भी मैं इसे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेरा प्रीमियम वाला प्ले स्टोर वाला है, तो चलिए मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा सकूँ। और गाइस, मेरा जो ये वाला लाइट मोशन आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पहले से ही मेरे पास है और इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम आया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया, क्योंकि ये प्रीमियम वाला है तो इसलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन वो देते रहता है। अभी आपको गाइस क्या करना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद ये वाला लाइट मोशन मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप इस पर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दैन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है। तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं इसे फिर से ओपन इसे डाउनलोड करना होगा गाइस। तो ये अभी डाउनलोड नहीं था, तो मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। मेरा वाईफाई है जिसकी वजह से जल्दी ही अपलोड डाउनलोड हो गया, और ये 159 MB का है, तो आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और इसके बाद डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करने बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बस कुछ टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, जितना भी टाइम लेगा आपको वेट कर लेना है। सो गाइस, वेट करने के बाद ये मतलब थोड़ा सा तो टाइम लेता है, तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आपका कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये थोड़ा सा स्कैनिंग कर रहा है, इसके बाद ओपन का ऑप्शन आ गया, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। नहीं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, अगर आप चाहे तो इसे लॉगिन कर सकते हैं, ना चाहे तो ऐसे भी रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या लिख रहा है, इवेल्यूशन वीडियो कोड डेक प्रोफेमेंसा द्वारा जो भी होगा, तो ये कंप्लीट होगा, इसके बाद ही आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो इसे हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। और गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एलाइट मोशन को पहले से मतलब आप लॉगिन किए हुए थे, तो जिस जीमेल से अगर किए थे, तो जिस जीमेल से आप किए हुए थे उससे इसे मत लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप इससे या तो फेसबुक से लॉगिन कर लीजिएगा, या फिर अदर किसी जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा, जिससे भी हो जाए तो आप कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे भी यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 हो गया, थोड़ा सा और टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर सिंपली टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। गाइस, ये न्यू अपडेट आया है, इसमें काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा यहाँ पे, और गोट इट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको सिंपली टैप कर देना। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपका नेट ऑन रहना चाहिए तभी ये सही से वर्क करेगा। तो देख सकते हैं सारे चीज़ इसमें ओरिजिनल वाला मिल रहा है, मतलब न्यू अपडेट वाला। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो 3 डॉट पर क्लिक करके अगर अबाउट पर क्लिक करते तो यहाँ पर 4.5 वाला जो न्यू अपडेट है वर्जन एलाइट मोशन का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से बैक आते हैं, बात करें एक्सएमएल प्रीसेट ऐड करने की, तो प्रीसेट पे आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे एक्सएमएल अगर आपको ऐड करना हो तो टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली टच करना होगा, यहाँ अलाउ का ऑप्शन आएगा, देन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपके पास जो एक्सएमएल होगा उसे यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए हमें जाना होगा डाउनलोड में। तो यहाँ पे डाउनलोड में तो मैं हूँ ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डाउनलोड में मैं आ चुका हूँ। जो भी एक्सएमएल मेरे पास यहाँ पे होगा मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, कोई सा भी तो होगा ही। तो यहाँ पे एक भी एक्सएमएल, ये रहा, ये कोई एक्सएमएल मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं इसे ही ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, टेम्पलेट विदाउट मीडिया, मतलब इस एक्सएमएल में कोई मीडिया नहीं है। अभी ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सएमएल यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को, मतलब जो एक्सएमएल जैसा रहेगा वो ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये किसी और का एक्सएमएल था, मैंने ऐड करके आपको दिखाया। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सएमएल को यहाँ पे ऐड करने की, तो उसके लिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो मैं अपना एलाइट जो टेलीग्राम पर मैंने जो एक्सएमएल पोस्ट किया है, मैं उसी को यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। सोइज, मैं यहाँ पर मेरे चैनल पर आ चुका हूँ ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल पर, और यहाँ पर मैंने जो एक्सएमएल आप लोगों को प्रोवाइड किया उसी में से कोई एक्सएमएल को मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो देख लेते कौन सा एक्सएमएल, यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू प्रोजेक्ट 49 XML है। तो 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद यहाँ पे एलाइट मोशन का ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये एलाइट मोशन आ रहा है, इस पर सिंपली टच कर देते हैं। टच करने के बाद ये वाला एक्सएमएल वहाँ पर ऐड हो चुका है, तो चलिए हम एक बार चेक भी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें एलाइट मोशन को ओपन करना होगा, तो यहाँ से आ जाते हैं ओरिजिनल वाला एलाइट मोशन जो अभी हम ऐड किए हैं। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट 49 यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिसमें मीडिया के साथ
साथ में यहाँ पे आ गया है। तो गाइज शायद अब जो XML प्रोवाइड किया जाता है उसमें मीडिया भी ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने सेकेंड फ़ोन में चेक किया था तो उसमें भी इस तरह से ऐड हो गया था जो फोटो, या तो मेरे फ़ोन में फ़ोटो था इसकी वजह से ऐड हो गया था। नहीं गाइज, मेरे दूसरे फ़ोन में मैंने चेक किया था उसमें मीडिया था नहीं, बट ऐड हो गया था। तो शायद मीडिया यहाँ पर जो भी रहेगा XML के साथ में आप लोग ऐड कर पाओगे। तो देख सकते XML में ही परेशानी आ रही थी, जो प्रीसेट है वो तो ऑटोमेटिक वर्क कर ही जाता है तो कर जाएगा, यहाँ पे XML हमारा वर्क कर रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आप लॉग इन करना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फेसबुक और गूगल का दोनों का ऑप्शन मिलता है। अगर हम फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने को बोलेगा, या फिर डायरेक्ट भी ले सकता है, लोडिंग तो ले लेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले रहा है, तो चलिए हम यहाँ से बैक आकर और गूगल का कोई सा भी आईडी यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं एक बार। तो चलिए मैं तब तक के लिए इसको यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। और गाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग लिया बट साइन इन नहीं हुआ, तो ये होगा फेसबुक से आपका साइन इन हो जाएगा, तो फेसबुक से आप लोग कर लीजिएगा। देन ऐसे भी आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, साइन इन करने की लॉगिन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस तरह का और भी एडिटिंग करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।